Hello friends, welcome back to our YouTube channel Time Institute Nasik. In today's video, we are going to discuss the concept of time and work. Again, this is very important topic of quantitative aptitude. So, सारा कुछ जो basics है time and work का, वो आज हम इस video में discuss करेंगे. हम इस video को दो part में divide करेंगे. In first part, हम कुछ methods discuss करेंगे, and in second part, जो remaining methods है जो कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस में यूज की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन सेकंड पार्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. सी फ्रेंड्स, इन टाइम एंड वर्क व्हाट यू नीड टू नो. सी, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सपोज वन पर्सन है ए, ठीक है, ए जो है वो पर्टिकुलर वर्क, या मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोज ए जो है वो 24 चॉकलेट्स, ठीक है, 24 चॉकलेट्स लेट्स से 3 डेज में फिनिश करता है. ठीक है, कितने डेज में? 3 डेज में. सो अगर ए 24 चॉकलेट्स 3 डेज में फिनिश करता है, तो कैन यू टेल मी ए जो है वो 1 डे में कितनी चॉकलेट्स फिनिश करता होगा? यस, यू आर राइट, 8 चॉकलेट्स, राइट? कहां से आएगा ये 8? सी, ए जो है ये टोटल वर्क जो है वो 3 डेज में फिनिश करता है. सो अगर आपको 1 डे का वर्क चाहिए, तो 1 डे में वो 1/3 ऑफ, 1/3 कहां से आया? ये 3 को उल्टा कर दो सिंपल, राइट? 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1/3 ऑफ टोटल वर्क, टोटल वर्क इज 24, राइट? सो यस, इट विल बी 8 चॉकलेट्स. समझ में आ गया? नाउ अभी एक छोटा सा कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में जरूर होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 डेज में उसने 24 चॉकलेट्स फिनिश किए, राइट, सो ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट डे में उसने 10 खाया होगा, राइट, सेकंड डे में उसने 12 खाया होगा, राइट, और लेट्स से कितना बचता है, 22 एंड 2, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे एंड थर्ड डे, राइट. सो आप कैसे क्या कह सकते हो कि हर दिन उसने 8 चॉकलेट्स खाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 डेज में, देखो यहां पे भी 3 डेज में 24 चॉकलेट्स फिनिश हो रहे हैं ना, ये छोटे से एग्जांपल में दिख रहा है आपको, राइट? यस, ऐसा हो सकता था, बट रिमेंबर एप्टीट्यूड के जो भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आपको खुद से होके पर डे का वर्क कांस्टेंट अज्यूम करना ही पड़ेगा, राइट? मतलब आप ये डाउट दिमाग में लाना ही नहीं. अगर कोई बोलता है ना 24 चॉकलेट्स 3 डेज में फिनिश करता है, तो पर डे उसने 8 8 एंड 8 ऐसे ही खाया होगा. अंडरस्टूड दिस? तो ये डाउट दिमाग में मत लाना, पर डे का वर्क हमेशा कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा. क्वेश्चन में कभी भी वो बोलेंगे नहीं कि पर डे का वर्क सेम है, ये आपको अज्यूम करना है. ठीक है, ओके. सो मैं कह रहा था कि ए 24 चॉकलेट्स 3 डेज में फिनिश करता है, तो पर डे के चॉकलेट के लिए आपने क्या किया? 1/3 किया, राइट? फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं ऐसा बोलता हूं बी जो है वो 36 चॉकलेट्स, ठीक है, 36 चॉकलेट्स अज्यूम करते हैं कि उसने 9 डेज में फिनिश किए, ठीक है, 9 डेज में फिनिश किए. सो कैन यू टेल मी बी ने पर डे मतलब 1 डे में कितने चॉकलेट्स खाए होंगे? Yes, 1/9 of the total work, and total work is 36. So yes, it will be 4 chocolates. समझ में आ रहा है? Okay. Now, see friends, यहाँ पे मैंने total work 24 chocolates लिया था, यहाँ पे 36 chocolates ले रहा हूँ, right? तो अभी हम कुछ methods discuss करते हैं जिसमें total work different होते हैं. मैं exactly क्या कह रहा हूँ ये आपको बताता हूँ. See, इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है वो हम देखने वाले हैं. पहला है यूनिटरी मेथड एंड सेकंड वन इज एलसीएम मेथड. सबसे पहले मैं यूनिटरी मेथड को डिस्कस करता हूं, ठीक है. सी, यूनिटरी मेथड में टोटल वर्क जो है, ठीक है, यूनिटरी मेथड में टोटल वर्क जो पिछले कुछ दो एग्जांपल्स में मैं 24 चॉकलेट्स ले रहा था, 36 चॉकलेट्स ले रहा था, बट यूनिटरी मेथड में टोटल वर्क हमेशा 1 लिया जाता है, राइट? टोटल वर्क 1 लिया जाता है. अभी देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं ए जो है वो 1 वर्क, राइट, टोटल वर्क है ये 1, 1 इज द टोटल वर्क हियर, 1 वर्क जो है वो
3 days में करता है फिनिश, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ए जो है वो 1 डे में कितना वर्क फिनिश करेगा, तो जो पिछले क्वेश्चंस में किया आपने वही करो, क्या 1/3 ऑफ राइट टोटल वर्क, व्हाट इज द टोटल वर्क हियर, 1 वर्क राइट, सो यस इट विल बी 1/3 वर्क। ये जो स्टेप है वो हमेशा लिखेंगे नहीं हम, अगर आपको कोई बोलता है ए जो है वो 1/3 days में फिनिश करता है तो सिंपली ए जो है वो 1 डे में कितना करेगा, 1/3 वर्क करेगा, ओके। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी ए जो है वो बी जो है वो 1 वर्क 5 days में फिनिश करता है, तो कैन यू टेल मी बी का 1 डे का वर्क कितना होगा, यस इट विल बी 1/5 वर्क या 1/5 वर्क आप जिसको बोल सकते हो, अंडरस्टूड दिस। एंड अगर आपको कोई उल्टा पूछता है ए अगर 1 डे में 1/3 या 1/3 वर्क करता है तो टोटल वर्क करने के लिए कितने डेज लगेंगे उसको, 3 डेज लगेंगे। अगर बी जो है वो 1 डे में 1/5 वर्क करता है तो टोटल वर्क करने के लिए कितना लगेगा, 5 डेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा सी जो है वो 1 डे में 1/7 वर्क करता है तो सी वो टोटल 1 वर्क करने के लिए कितने डेज लेगा, 7 डेज लेगा। तो एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, टोटल डेज को उल्टा करो 1 डे का वर्क मिलता है, 1 डे को 1 डे के वर्क को उल्टा करो टोटल डेज मिलता है, अंडरस्टूड दिस, ओके। तो ये 1/3 कहां से आता है समझ में आ गया ना, 1/3 ऑफ 1 वर्क है ये, ओके ओके। मैं एक एग्जांपल का यूज करके और भी डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाय द वे ये जो LCM मेथड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे बट एक छोटे से एग्जांपल के बाद, ठीक है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसका यूज करके हम यूनिटरी मेथड पहले समझ लेते हैं और उसी एग्जांपल को मैं आपको LCM मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ। इनफैक्ट मैं और 2-3 क्वेश्चंस लूंगा जो दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, यूनिटरी मेथड एज वेल एज LCM मेथड, ओके। सो ये छोटा सा एग्जांपल है, ठीक से देखो। Okay, so I hope आपने question को पढ़ लिया है अच्छे से। In this question, they are saying A can complete a piece of work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. If A and B work together, how long will they take to complete the same work? This is very simple question. Concept को समझने के लिए ऐसे easy question का help लेना पड़ेगा so that आपका concept understanding जो है वो एकदम clear हो जाएगा, ठीक है। So अभी आप मुझे बताओ A can complete a piece of work in 10 days. वो piece of work कितना है पता नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से कर रहे हो तो ये पीस ऑफ वर्क जो है वो आप 1 एज्यूम करोगे, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे, यूनिटरी मेथड LCM मेथड। LCM मेथड तो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है बट यूनिटरी मेथड के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो यूनिटरी मेथड से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो लेट्स अज्यूम द टोटल वर्क इज 1, टोटल वर्क को हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। सो ए कैन कंप्लीट 1 वर्क इन 10 डेज, राइट। A can complete 1 work in 10 days. अभी आप मुझे बताओ ये जो 1 work है, right? ये 1 work कितने days में complete करता है? ये 10 days में. तो simple सी बात है. मैंने क्या बोला था अभी? अगर कोई person 1 work 10 days में complete करता है, तो 1 day में कितना work करेगा? 1/10, right? So मैं पूरा calculation आपके सामने रख रहा हूँ. देखो, therefore amount of work done by A in 1 day is 1/10 part of 1 work, which is nothing but 1/10. ओके तो सिमिलरली अगर बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब वो 1 वर्क बी जो है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो कैन यू टेल मी बी जो है वो 1 डे में कितना वर्क करेगा? सिंपल सी बात है, अगेन 1/15, राइट। अभी हमको ए का 1 डे का वर्क मिल चुका है, बी का 1 डे का वर्क मिल चुका है, नाउ दे आर सेइंग ए एंड बी वर्क टुगेदर, राइट। सो इन यूनिटरी मेथड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट देयर 1 डे वर्क, राइट। तो हम अभी इंडिविजुअल 1 डे का वर्क लिख रहे थे यहाँ पे, ए का 1 डे का वर्क, बी का 1 डे का वर्क। अभी अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 डे में कितना काम करेंगे ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो टोटल वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर इन 1 डे कितना आएगा? इसका 1/10 लिया मैंने, राइट, यहाँ पे, और इसका
1 by 15 लिया यहाँ पे, और इफ यू एड 1 by 10 एंड 1 by 15 इट विल बी 1 by 6. सो अगर दोनों मिलके वन डे में 1/6 या 1/6 तो वर्क कर रहे हैं, तो दोनों को टोटल वन वर्क करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 6 डेज लगेंगे, राइट? मैंने बोला है वन डे के वर्क को उल्टा कर दो तो आपको टोटल डेज मिलते हैं. तो यस, द टाइम रिक्वायर्ड बाय देम टुगेदर टू कंप्लीट द टोटल वन वर्क, राइट, कितना आएगा? 6 डेज आएगा, राइट? ये इतने सारे स्टेप्स जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आगे के क्वेश्चन में हम सिंपली 2 या मैक्सिमम 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, इसलिए ये यूनिटरी मेथड एंड एलसीएम मेथड का थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने रख रहा हूँ. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये एक वन ऑफ द चैप्टर है जो मिनिमम कैलकुलेशंस में आप यू नो आंसर तक जा सकते हो, कम से कम कैलकुलेशन 2 या 3 स्टेप्स, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर वेरी गुड इन कंसेप्ट, ठीक है? ओके, सो ये यूनिटरी मेथड था, आई होप आपको ये समझ में आ गया है. नाउ यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से. अभी ये एलसीएम मेथड एग्जैक्टली होता क्या है बताता हूं. सी, यूनिटरी मेथड में हमने टोटल वर्क को वन कंसिडर किया था, बट इन एलसीएम मेथड टोटल वर्क को वन नहीं कंसिडर किया जाएगा. याद है स्टार्ट में मैंने कुछ 24 चॉकलेट्स, 36 चॉकलेट्स ऐसे एग्जांपल दिए थे, तो यहाँ पे भी एक कोई तो रैंडम नंबर कंसिडर किया जाएगा एज अ टोटल वर्क, बट वो रैंडम नंबर कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इन द क्वेश्चन. जैसे कि यहाँ पे मुझे 10 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 15 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा और वही मेरा होगा टोटल वर्क, राइट? टोटल वर्क इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 15. 10 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 चॉकलेट्स. ओके, समझ लो 30 चॉकलेट्स इज द टोटल वर्क, या 30 यूनिट्स इज द टोटल वर्क, राइट? अभी इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो वन डे में ए कितना वर्क करेगा? सेम मैं क्या कह रहा हूँ, ए अगर कोई तो वर्क है, अभी कोई तो वर्क मतलब कितना है, 30 यूनिट्स है ना, राइट? 30 यूनिट्स है टोटल वर्क को, ये पीस ऑफ वर्क को, पीस ऑफ वर्क मतलब कितना यूनिट्स है, 30 यूनिट्स. कितने डेज में फिनिश करता है ये? 10 डेज में फिनिश करता है. सो कैन यू टेल मी यही पर्सन ए जो है वो वन डे में, राइट, 1/10 ऑफ द टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 30. तो कितने यूनिट्स कंसिडर करेगा या कितने यूनिट्स ये करके दिखाएगा आपको? 3 यूनिट्स करके दिखाएगा, राइट? तो ए के वन डे के यूनिट्स अगर मिल गए तो आई होप आपके दिमाग में बी के वन डे के यूनिट भी रेडी होंगे, राइट? तो ये जरा मैं स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? सी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन वन डे इज नथिंग बट 1/10 ऑफ 30 यूनिट्स, राइट, जो कि अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो बी का क्या होगा? बी के लिए भी 1/15 ऑफ, क्योंकि पूरा काम 15 डेज में करता है, तो 1/15 ऑफ 30 यूनिट्स, राइट? सो ये आएगा 2 यूनिट्स, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोनों की, राइट, ए एंड बी वर्क टुगेदर, राइट, टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर इन वन डे इज नथिंग बट 3+2, मतलब ए के 3 यूनिट्स एंड बी के 2 यूनिट्स, राइट? सो इन दोनों का एडिशन अगर मैं करता हूं तो दोनों मिलके वन डे में कितना यूनिट्स करेंगे? 5 यूनिट्स, राइट? सो दोनों मिलके वन डे में 5 यूनिट्स कर रहे हैं, तो और हमको उनसे कितना काम करवाना है? 30 यूनिट्स. सो अभी तो ये बहुत सिंपल हो गया, वन डे में 5 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स के लिए कितने दिन? Isn't it simple? 30 divided by 5 करो, वन डे में कोई 5 चॉकलेट्स खाता है तो 30 चॉकलेट्स के लिए कितना? 30 divided by 5 कितना आएगा वो? 6, right? So your answer is 6 days. Unitary method से भी हमारा answer 6 आया था और LCM method से भी हमारा answer आया है 6. I hope it is clear to you. राइट, सो दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गई. मैंने बहुत सिंपल छोटे से क्वेश्चन का हेल्प लिया है दोनों मेथड्स एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? अभी कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस करते हैं एंड वो क्वेश्चन भी हम दोनों मेथड से करके बताते हैं, ठीक है? यूनिटरी मेथड एज वेल एज एलसीएम मेथड. चलो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन.
Okay. So A can complete a work in 30 days. B can complete the same work in 45 days. मतलब ये individual capacity इनका दिया है आपको. अभी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों साथ में वर्क को स्टार्ट कर रहे थे. यहाँ पे वैसा नहीं है, एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है. देखो दे आर सेइंग इफ बी स्टार्ट्स द वर्क एंड ए जॉइंस हिम आफ्टर 15 डेज. बी ने स्टार्ट किया और आफ्टर 15 डेज के बाद ए आया उसको हेल्प करने के लिए. फिर दोनों ने मिलके काम कुछ तो दिनों में कंप्लीट कर लिया होगा. सो देयर क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड. देखो हो क्या रहा है पहले ये देख लो. लेट्स मैं एक डायग्राम का हेल्प लेता हूँ. यहाँ पे बी आया, काम शुरू कर दिया. बी के जैसे ही 15 डेज हो गए, राइट, यहाँ पे 15 डेज उसके सपोज हो गए थे, तो ए भी आया. अभी ए भी काम करेगा, राइट. अभी ये दोनों काम कर रहे थे, ए एंड बी दोनों. इट इज अज्यूम और एक्स डेज में ये काम फिनिश हो गया, ठीक है. एक्स डेज मतलब क्या मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में बी ने 15 प्लस एक्स डेज काम किया है, राइट. ये 15 डेज तो बी ने काम किया ही किया और ये एक्स डेज भी काम किया. ए ने सिर्फ ये एक्स डेज काम किया है, ए बाद में आया है. ए आने के बाद एक्स डेज में वर्क फिनिश हो गया, राइट. ऐसे हम अज्यूम्पशन यहां पे कर रहे हैं, ठीक है. नाउ सी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, राइट. सो कैन यू टेल मी, बाय द वे ये यूनिटरी मेथड है तो हम टोटल वर्क को कितना लेंगे, 1. सो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, ए का 1 डे का वर्क होगा 1/30, राइट. बी का भी 1 डे का वर्क होगा, कितना होगा, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 डेज, ओके. सो ये आएगा 1/45. अंडरस्टूड दिस, ठीक है. नाउ सी ए अगर 1 डे में 1/30 वर्क करता है तो ए ने टोटल कितने डेज वर्क किया है, एक्स डेज वर्क किया है. तो 1 डे में 1/30, 2 डेज में 2/30 किया होगा, 3 डेज में 3/30 किया होगा, तो एक्स डेज में कितना किया होगा, x/30, राइट. सो ए ने जो वर्क किया है वो टोटल कितना होगा, x/30. अंडरस्टूड दिस. नाउ सिमिलरली बी का देखो, बी 1 डे में 1/45 वर्क करता है, 1 डे में 1/45, 2 डेज में 2/45, 3 डेज में 3/45, और बी ने कितने दिन काम किया है, 15 प्लस एक्स, राइट. सो बी का 15 प्लस एक्स डेज का वर्क, 15 प्लस एक्स डेज का वर्क कितना होगा, 15 प्लस x/45. अंडरस्टूड दिस, राइट ना. 1/45 + 1/45 + 1/45 ऐसे कितनी बार लेना है, 15 प्लस x डेज काम किया ना, तो 15 प्लस x टाइम्स अगर मैं इसकी एडिशन करता हूं तो इट विल बी 15 प्लस x/45. तो ये जो है ये है ए ने किया हुआ टोटल वर्क इस क्वेश्चन में x डेज में, और ये जो है ये है बी ने किया हुआ टोटल वर्क कितने डेज में, 15 प्लस x डेज में. एंड टोटल वर्क कितना था फ्रेंड्स, टोटल वर्क तो था 1. मतलब ए ने किया हुआ टोटल वर्क प्लस बी ने किया हुआ टोटल वर्क, इसका एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट. ए का टोटल वर्क एंड बी का टोटल वर्क, इसका एडिशन 1 आना ही चाहिए क्योंकि दोनों ने मिलकर काम को फिनिश किया है, राइट. ऐसा हमने अज्यूम किया है, एक्स डेज में काम फिनिश हो गया, राइट. जब ए आया तो एक्स डेज में काम फिनिश हो गया, ऐसा हमने अज्यूम किया है. तो दोनों का टोटल वर्क का एडिशन 1 आना चाहिए. एंड दैट्स इट. यहां से हम एक्स ढूंढ लेंगे, क्या करें, 30 एंड 45 का एलसीएम कितना होता है, 90. ओके ओके, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, 3x हो जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 प्लस x दोनों को, राइट. 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 30 एंड ये आएगा 2x, ओके, इज इक्वल टू 1. सो यहां से अगर x चाहिए, देखो 3x एंड 2x कितना हो जाएगा, 5x is equal to 90 में से ये 30 माइनस हो जाएगा, तो 60. So what will be the value of x? It is coming 12. X का वैल्यू 12 आ रहा है. Now their question is in how many days will the work be completed? मतलब टोटल वर्क होने के लिए कितना टाइम लगेगा. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12 को आंसर कर देते हैं, 12 इज द आंसर. नो, 12 इज नॉट द आंसर. इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब आपको स्टार्ट टू एंड लेना है, 15 एंड
ये एक्स की वैल्यू कितनी आई है अभी 12 ना, तो 15 प्लस 12 कितना होता है 27 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके हाँ, अगर उन्होंने ऐसा पूछा होता आफ्टर ज्वाइनिंग ए इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड, तो आप बोलते 12 राइट, बट उन्होंने टोटल डेज पूछे हैं इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो उसमें 15 एंड 12 दोनों का एडिशन आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो, तो मैंने बोला है ये क्वेश्चन भी मैं आपको दो मेथड से करके बता दूं, एक यूनिटरी मेथड हो गया, अभी हम करते हैं एलसीएम मेथड, सेम क्वेश्चन, आंसर 27 आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, सो इसी क्वेश्चन को मैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना लिया जाएगा, क्या डिसाइड किया हमने, एलसीएम ऑफ 30 एंड कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 45, एलसीएम ऑफ 30 एंड 45 जो कि होता है 90, तो ये है हमारा टोटल वर्क राइट, 90 यूनिट्स। सो आप तो अभी बता दोगे आराम से कि ए वन डे में कितने यूनिट्स करेगा, 1/30 ऑफ टोटल वर्क, पिछले क्वेश्चन में 1 था ना ये, इसलिए हमने बोला था ए जो है वो वन डे में 1/30 वर्क करेगा, बट अभी टोटल वर्क कितना है, 1 है क्या यहाँ पे, इस बॉक्स में 1 आएगा, नो इस बॉक्स में आएगा 90 राइट। तो ए के वन डे के यूनिट्स कितने हो गए, 3 यूनिट्स। तो सिमिलरली बी के वन डे के यूनिट्स कितने होंगे, 1/45 × 90 जो कि आएगा 2 यूनिट्स। तो ये दोनों मिलके वन डे में कितने यूनिट्स करते हैं ये पता चल गया आपको राइट। तो डायग्राम तो याद ही होगा आपको, ए क्या डायग्राम निकाला था हमने, बी आया 15 डेज काम किया, फिर यहाँ पे ए की एंट्री होती है और हमने कंसिडर किया है ये एक्स डेज में ये वर्क जो है वो फिनिश हो गया राइट। मतलब ए ने टोटल कितने डेज काम किया है, एक्स डेज, एंड बी ने टोटल कितने डेज काम किया है, 15 प्लस एक्स। ओके अभी आप मुझे बताओ, ए ने अगर एक्स डेज काम किया, ए वन डे में 3 यूनिट्स करता है, तो 3 यूनिट्स वन डे में, तो एक्स डेज में कितने राइट, 3 × x इतना काम किया होगा ना उसने एक्स डेज में, वन डे में 3 यूनिट्स, तो एक्स डेज में 3 × x प्लस बी वन डे में 2 यूनिट्स करता है और उसने कितना डेज काम किया है, 15 प्लस एक्स डेज काम किया है, तो अगेन यहाँ पे भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे राइट, 2 × 15 + x। ओके चलो, अभी ये है ए ने किया हुआ टोटल वर्क और ये है बी ने किया हुआ टोटल वर्क राइट, तो इन दोनों के टोटल वर्क की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 90, क्योंकि दोनों ने मिलकर पूरा काम मतलब कितना 90 यूनिट्स फिनिश कर दिया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3x, डोंट फॉरगेट ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 15 आएगा 30 एंड 2 × x आएगा 2x इज इक्वल टू 90, तो 5x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 12 राइट। सो यस, आंसर इज रेडी राइट, मतलब 12 डेज ये बाद में लगे ए आने के बाद, तो उन्होंने टोटल इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब स्टार्ट टू एंड डेज बताने होते हैं, तो आपका आंसर मतलब क्या होगा, 15 प्लस 12 मतलब आपका आंसर क्या होगा, 27। ओके ओके, सो दिस वाज द एलसीएम मेथड। अभी एक बात याद रखो, हमेशा ऐसे दोनों मेथड से तो हम नहीं करेंगे, जब भी आपके क्वेश्चन में 1 या 2 पर्सन है तो मोस्टली यूनिटरी मेथड यूज की जाती है, या पाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी यूनिटरी मेथड ज्यादा हेल्पफुल होती है, और जब आपका क्वेश्चन में अल्टरनेट डेज है जो हम इस डायमंड वर्क के सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, वहां पे एलसीएम मेथड ज्यादा हेल्पफुल होगी राइट। जैसे जैसे क्वेश्चन में लूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूँ पाइप्स के राइट, पाइप्स एंड क्रिस्टल्स इसको बोलते हैं। Tap A takes 20 minutes and tap B takes 30 minutes to fill a tank, right? मतलब एक टैंक है। अभी और टैंक को हम वन वर्क लेते हैं, इसमें यूनिटरी मेथड है, समझ लो A takes 20 days and B takes 30 days to complete one work, ऐसा है, सिर्फ पर्सन की जगह पे यहाँ पे टैप है राइट। ओके तो अभी A takes 20 minutes to fill one tank, तो can I say A जो है वो 1 minute में, ठीक है, 1 मिनट में कितने टैंक फिल करेगा, 1/20th पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा, मतलब उतना वर्क करेगा राइट। तो सिमिलरली बी जो है वो 1 मिनट में कितना वर्क करेगा, 1/30
एम्प्टी वर्क करेगा. नाउ दे आर सेइंग टैप सी अलोन कैन एम्प्टी, राइट, एम्प्टी. ये पहले जो पाइप्स थे ये टैप्स थे वो फिल कर रहे थे, राइट. अब ये एम्प्टी करता है, तो कंपेयर टू दिस टू पाइप्स सी पाइप का वर्क नेगेटिव है. मतलब सी जो है वो वन मिनट में, ओके, वन मिनट में कितना टैंक एम्प्टी करेगा, 1/60th पार्ट एम्प्टी करेगा, इसलिए उसको माइनस वन के साथ मिलूंगा. ठीक है, तो ए का वन मिनट का वर्क हो गया 1/20, बी का वन मिनट का वर्क हो गया 1/30, सी का वन मिनट का वर्क हो गया -1/60. नाउ दे आर सेइंग इफ ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है, मतलब ए भी वर्क करेगा, बी एंड सी, ये तीनों वर्क करेंगे, राइट. देखते हैं ये तीनों वन मिनट में क्या कमाल करते हैं. ठीक है, अभी ए करेगा 1/20, बी करेगा 1/30, एंड सी करेगा कितना, -1/60. अंडरस्टूड दिस? एडिशन कर रहा हूं मैं, तीनों के वन मिनट के वर्क की एडिशन कर रहा हूं. ठीक है, तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे प्लस लिखा और फिर यहाँ पे माइनस लिखा है. ठीक है, तीनों के वन मिनट के वर्क का ये एडिशन है. तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 60. इसको 3 कर देता हूं, इसको 2 और इसको 1. सो इट इज कमिंग 1/15 वर्क, पॉजिटिव आ रहा है ये, राइट. मतलब तीनों मिलके 1 मिनट में फिल कर रहे हैं टैंक को. कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, 1/15th पार्ट 1 मिनट में ये फिल करते हैं. तो बताओ मुझे ये तीनों मिलके पूरा टैंक, राइट, पूरा टैंक, मतलब वन टैंक जिसको हम वन वर्क भी बोल सकते हैं, राइट. तो वो कितने मिनट्स में फिल हो जाएगा पूरा टैंक, 15 मिनट्स में पूरा टैंक जो है वो फिल हो जाएगा. और यही आपका आंसर, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक. तो वन मिनट में 1/15, तो पूरा टैंक फिल करने के लिए कितना, 15 मिनट्स, राइट. सो आई होप आपकी यूनिटरी मेथड अच्छे से क्लियर हो गई है. एलसीएम मेथड को और भी कुछ क्वेश्चंस में आने वाले पार्ट में हम डिस्कस जरूर करेंगे. ठीक है, सो ये था थोड़ा शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो ऑन टाइम एंड वर्क पार्ट 1. जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में. ठीक है, अगर आपको और भी ऐसे बेसिक वीडियोस देखने हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, हियर आर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू, बाय बाय.